देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनीज ऑटो एक्सपो 2020 में नए मॉडल और कॉन्सेप्ट के साथ ग्राहकों पर मजबूत प्रभाव बनाने के लिए कमर कस रही हैं। इसी के मद्देनज़र भारत की दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। हुंडई कंपनी ऑटो एक्सपो 2020 में न्यू जनरेशन क्रेटा, अपडेटेड इलाइट i20 के साथ साथ ट्यूजॉन फेसलिफ्ट और वर्ना फेसलिफ्ट भी पेश करेगी। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी भारत के लिए एक माइक्रो एसयूवी पर भी काम कर रही है, जो हुंडई की लाइनअप में वेन्यू से नीचे रहेगी। इसे हुंडई AX कोड नाम दिया गया है। हुंडई की इस माइक्रो एसयूवी का मुकाबला मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो और टाटा की आने वाली H2X कोड नाम वाली माइक्रो एसयूवी से होगा। उम्मीद है कि हुंडई फरवरी में होने वाले ऑटो एक्सपो में AX कॉन्सेप्ट को पेश करेगी। यह कॉन्सेप्ट भारतीय बाजार के लिए कंपनी की आने वाली माइक्रो एसयूवी की झलक दिखाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई इसी साल अपनी इस माइक्रो एसयूवी का प्रोडक्शन साउथ कोरिया में शुरू करेगी। इंटरनेशनल मार्केट में यह पुरानी जनरेशन हुंडई एटॉस के रिप्लेसमेंट के रूप में आएगी। कंपनी ने एक साल में इसकी 70 यूनिट प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। हुंडई की यह छोटी एसयूवी नई सेंट्रो वाले K1 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। भारतीय बाजार में इसे वित्त वर्ष 2021-22 में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 4 से 6 लाख रुपए के बीच में रहने की उम्मीद है। हुंडई की यह नई कार न सिर्फ माइक्रो एसयूवी बल्कि मारुति इग्निस और टाटा टियागो जैसी एंट्री लेवल हैचबैक कारों को भी टक्कर देगी। इसमें सेंट्रो वाला 1.1 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 68 BHP का पावर और 99 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के ऑप्शन भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।